कहानी हमारे एक व्यूअर सूरज के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। 4 साल पहले कानपुर का रहने वाला सूरज अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसके 12th के एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे और वो उन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सूरज वैसे तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पर जब से वो उस घर में आया था तब से उसका पढ़ाई पर से ध्यान हटने लगा था। धीरे धीरे स्कूल एग्जाम्स में उसके मार्क्स कम होते चले गए और सूरज थोड़ा अलग अलग सा रहने लगा। वो हमेशा अपने कमरे में ही घुसा रहता था और काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी थी। उन्होंने उसे समझाने के लिए उसके बड़े मामा को अपने घर बुलाया। सूरज उनके काफी करीब था और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। उसके मामा जो कि एक पंडित भी थे, उनके नए घर में पहली बार आ रहे थे। घर में घुसते ही उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई जो सीधा सूरज के रूम से आ रही थी। उन्होंने सूरज को अपने पास बुलाया और उससे बहुत प्यार से पूछा कि क्या कोई उसे परेशान कर रहा है। तब सूरज ने बहुत घबराते हुए बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में और भी लोग रहते हैं। उसे दिन भर अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। कभी बेड पर दीवार की ओर देखती हुई एक औरत, तो कभी खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा हुआ एक छोटा सा लड़का। सूरज की बातें सुनकर उसके मामा ने उसके घर के बारे में आसपास के लोगों से मालूम किया तो उन्हें पता चला कि जहां अभी सूरज का कमरा बना हुआ है, 5 सदियों पहले एक बड़ा गहरा कुआं हुआ करता था। कई लोगों की उस कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और इसीलिए उस कुएं को बंद कर दिया गया था। उसके मामा ने जब ये बात सूरज के पेरेंट्स को बताई तब वो दंग रह गए। उसके मामा ने बताया कि ये नेगेटिव एनर्जी उसके कमरे में उन लोगों की भटकती आत्माओं की थी जो उस कुएं में गिरकर मर गए होंगे, पर आज तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने सूरज के पेरेंट्स को कहा कि कल सुबह आकर वो उनके घर में एक पूजा करवाएंगे और आज रात के लिए सूरज को वो अपने साथ ही सुलाएं। सूरज इस बात से अनजान अपने अगले दिन होने वाले एग्जाम के लिए अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। जब उसकी माँ ने उसे सोने के लिए अपने कमरे में बुलाया तो उसने कहा कि वो बस रिवीजन करके आ रहा है। सूरज रिवीजन कर ही रहा था कि उसने देखा कि फिर से एक औरत उसके बेड पर बैठी है और वही छोटा लड़का खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। सूरज ने घबरा कर उनको आवाज लगाई, कौन है वहां? इसके बाद सूरज के साथ जो हुआ वो उसे कभी नहीं भूल पाया। पहले उस लड़के ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमाई और फिर उस औरत ने। इतने में उस कमरे के नीचे से एक एक करके लोग निकलने लगे और वो धीरे धीरे सूरज के करीब आने लगे। उन सभी के लंबे लंबे हाथ सूरज को नीचे जमीन में खींचने लगे। तब सूरज जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! और उसके पेरेंट्स भागे भागे उसके कमरे में आए और लाइट ऑन करी। उन्होंने देखा कि सूरज जमीन पर बैठा कांप रहा था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके पेरेंट्स तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। सूरज इतना डरा हुआ था कि उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन देकर सुला दिया। वीकनेस की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो हफ्ते भर हॉस्पिटल में ही एडमिट था। इस बीच उसके मामा ने उसके घर में शांति के लिए पूजा करवाई। जब सूरज ठीक हुआ तब उसके पेरेंट्स ने सूरज को कुछ महीनों के लिए अपने मामा के साथ रहने भेज दिया और जब वो एक नए घर में शिफ्ट हो गए तब सूरज को वापस बुला लिया। सूरज उस साल अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं दे पाया, बल्कि सूरज आज भी लेट नाइट पढ़ नहीं पाता है और हर एग्जाम से पहले उसे उस घटना की भयानक यादें
डरा देती हैं।